ये 2000 में का 2000 दे मुगई दो भीड़ मत दो का। अच्छा चल जे, आपका भी इतना बड़ा खर्चा। ओ खर्चा कानों की दवा, खवा टूट गया इसकी दवा, बुढ़िया बीमार होगी उसकी दवा, अरे बड़ा गुम्बर निकल गया उसकी दवा, और कहा था पूरा पटका। चलिए स्वागत है आपका एक बार फिर, आपके साथ इसराइल चौधरी, कैराना लोकसभा की गंगो विधानसभा के गांव खोसपुरा में मैं इस वक्त मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं चुनावी माहौल है, और चुनावी माहौल में चुनावी बातें ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। गांव खोसपुरा के बहुत सारे युवा और बुजुर्ग मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, और चर्चा वही चुनाव में आने वाला जो चुनाव है इसमें किस तरीके का समीकरण बन रहा है, और देश में जो हालात है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले एक भाई साहब, भाई साहब का नाम क्या है? भाई साहब ओम सिंह। ओम सिंह जी, देश के चार टॉप लीडर, उनमें आप किसको पसंद करते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मायावती, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल। हम तो चौहान साहब के हैं जी, चौहान साहब इंदर सैन रुद्र सैन के हैं। अच्छा, नहीं मैंने टॉप देश के चार लीडर, अखिलेश के आदमी हम, अखिलेश के। अच्छा, अखिलेश यादव को करते हैं पसंद। अच्छा, अखिलेश यादव का ऐसा कोई खास काम जिसको आप पसंद करते हो? बहुत बढ़िया काम करता है, उससे तो बढ़िया नेता कोई है ही नहीं दुनिया में, सब बढ़िया काम करता है पूरा। अच्छा ये बताओ, कैराना लोकसभा पर इस वक्त 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, तीनों प्रत्याशियों का किस तरीके का समीकरण है हार और जीत का? हार जीत का तो ये बात बताओ जी, हमारे चौहान साहब ने निर्णय लिया, मतलब कुछ भी हमारे चौहान साहब ने कोई निर्णय लिया, हम तो उनके पास है, जो मारता है कुएं में कहेंगे कुएं में वोट देना, जेरे में कहेंगे जेरे में गेट देंगे, हम तो उनके पास है। अभी तक क्या चर्चा हुई है? अब तो भाई कुछ मारता 30 तारीख तक उन्होंने कर क्या घूम रहा हो, 30 तारीख तक, 30 तारीख के बाद निर्णय लेंगे हम उनके साथ। अच्छा, देश में जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में डाल दिए, तो बहुत गलत कराया, और तो हम कह रहे ये मुख्यमंत्री जेल में गए थे और क्या क्या बहुत गलत कराया उन्होंने, काम बढ़िया बात करी कुछ बढ़िया तो नहीं काम कराया, उस पर दृष्टि पा लेते जेल में गए थे उसको कुछ भी नहीं लिया, उन्होंने बहुत गलत काम कराया। अच्छा ही क्या किया था उसपे, तो आरोप लग गए ना? आरोप तो भले भले पर लगाया था, इनकी सत्ता चल रही इनमें ताकत है, आरोप तो भले भले पर लगाया था, क्यों सत्ता इनकी चल रही, सरकार इनकी है, इनकी जबरदस्ती चल रही, जबरदस्ती के स्वयं में कुछ नहीं है बस, और झूठ है, वोट में घबरा कर है, वोट में जितना कोई जताया था। अरविंद केजरीवाल ने अच्छा ही क्या किया बताओ ना, एक दो काम उनका अच्छा बता दो। बढ़िया ने काम चल रहा है दिल्ली में, हम कहे थे दिल्ली में 20 रुपए में सारी दिल्ली में घूमे, मैं विचार दंडा बढ़िया काम कर रहा था, आरोप तो भले भले बुला दे, उनकी चल रही सत्ता, और जिनकी सत्ता हो और जिनकी सरकार हो उसका फायदा ठहरे में, आप एक बार बैलेट पेपर पर वोट करवा दो, अगर ना ना फेंक दो। हाँ, कहीं नहीं कुछ नहीं होता, नहीं, नहीं, होता। मन को बटन दबाओ कुछ और कर लिखा फूल का, ऐसा है अब कभी हो सके, फिर ऐसा है अब कभी हो सके होगा अर्जुन? अच्छा जी, ऐसा होगा, उनकी चल रही, उनकी सत्ता, उनकी जबरदस्ती चल रही, जबरदस्ती हटा दो और जो दूसरी पार्टी ने बदले माना फेर दियो। चलिए मैं लौट कर आऊंगा आपके पास जी। क्या रहेगा चाचा चुनाव माहौल भाई? चुनाव चल रहा अभी, चुनाव तो शुरुआत है चुनाव की, चुनाव का निर्णय अभी कहीं फाइनल तो हुआ नहीं, कहीं बैठे तो है नहीं लोग बाग अपनी जगह पर। इतना है कि ये जो चुनाव है कैराना लोकसभा का और सहारनपुर लोकसभा का चुनाव जो है, इस पूरे चुनाव में चौधरी साहब पर निगाह टिकी हुई है दोनों पार्टियों की, सब पार्टियां जो हैं वो चौधरी साहब की तरफ देख रही और उनके निर्णय का इंतजार है। ये चुनाव कैराना लोकसभा का जो है ये चौधरी परिवार के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि उनके पास इतना वोट है कि वो जिसको सपोर्ट करेंगे वो चुनाव जीतेगा। अच्छा, 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अभी तक, इकरा हसन है और यहाँ प्रदीप चौधरी है और एक राणा जी आगे भोजन समाज, तीनों में किसको पसंद करते हैं आप? देखो चुनाव है, पसंद ना पसंद, हमारी पसंद ना पसंद नहीं है कुछ भी, हमारी पसंद ना पसंद तो चौधरी साहब का निर्णय है। अगर वो ये कहेंगे कि भाई इस कैंडिडेट को वोट देना, इस कैंडिडेट को सपोर्ट करना, हम चौधरी यशपाल सिंह वादी हैं, हम पार्टी नहीं है हमारी कोई, ना हमारी पार्टी बहुजन है, ना हमारी पार्टी भाजपा है, ना हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी है, हमारी पार्टी है चौधरी। मैं आपको रोकूंगा, एक बात तो बताओ, जब वो राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और गंगो विधानसभा प्रभारी भी हैं, तो पार्टी ने एक अहम पद से उनको नवाज रखा, तो फिर ये सस्पेंस क्यों? सस्पेंस इसलिए है कि पहली बात तो ये है कि नेताओं की एक हैबिट बन गई झूठ बोलना। अखिलेश यादव ने
चौधरी साहब के साथ बहुत बड़ा धोखा कराया। सबसे पहली बात तो यह है कि टिकट लेने, जब टिकट की दौड़ में भी बराबर थे, उनको विश्वास में लेना चाहिए था। अगर इकरा हसन का टिकट देना था तो चौधरी साहब को भी विश्वास में लेना चाहिए था। अच्छा। बिना विश्वास में लिए तो टिकट दिया। दूसरी बात, स्वाद्यमियों के बीच में अखिलेश यादव ने वादा कराया कि चौधरी साहब हम आपको टिकट तो जहां से लोगे, लोगे शाहपुर से लो या कराना से लो, लेकिन उसके साथ साथ आपको मैं अपनी तरफ से एमएलसी के लिए कह रहा हूं और एमएलसी आपकी पक्की है। अब एमएलसी कहां, आप एक बात तो बताओ चौधरी साहब, कुछ तो जैन चौधरी के साथ विधायक चले गए, राजभर अलग हो गया, उसके कुछ क्रॉस कर गए, तो प्रत्याशी चौथा कैंडिडेट अगर एमएलसी का आना तो तभी तो आता ना भैया। ये कंडीशन नहीं लगाई गई थी कि प्रत्याशी चार होंगे या तीन होंगे, कंडीशन ये थी कि आप एमएलसी बनेंगे। हमारे से ये कंडीशन थोड़ा बताई थी कि भाई अगर चार बनेंगे तो आपका नंबर होगा या पांच बनेंगे। तो नाराजगी ज्यादा है चौधरी साहब अंदर है? नहीं, नाराजगी तो जायज है, नाराजगी नाजायज नहीं है। नाराजगी चुनाव तक रहेगी या बस चौधरी साहब के कहने से निपट जाएगी? नहीं, चौधरी साहब के कहने से निपट जाएगी नाराजगी। भाई नाराजगी तो देखो, जो वह निर्णय लेंगे हम तो उनके निर्णय के साथ हैं। आप तो 28 तारीख के लिए तैयार हुए बैठे? बिल्कुल तैयार बैठे, भरे भराए बिल्कुल। हम तो गुम है, कहते गुम गुम, 30 तारीख तक गुम है, उन्होंने निर्णय लिया अभी कुछ। ऐसा है, जो निर्णय होगा वो निर्णय ऐसा निर्णय होगा कि इस सीट के समीकरण को बदल देगा। चलिए मैं आगे बात करता हूँ भाई साहब, नाम क्या है? ओमवीर सिंह। ओमवीर जी, क्या चल रहा है, चुनावी माहौल है, अब चुनावी बात हो रही, तो तीन प्रत्याशी चुनाव मैदान में, पसंद कौन है आप? बज्जी महाराज चौधरी साहब ही हैं पसंद। अच्छा, यहाँ चौधरी खेमा है? हाँ जी, जो उनका निर्णय उनके साथ है। अभी तक जो फैसला पार्टी की तरफ से आया है, समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को दिया है, तो ये फैसला आपके कैसा लग रहा है? बज्जी हम, हमारे लिए तो कोई कुछ नहीं, हम तो उन्होंने जाना है। पुराने जो सांसद थे उनके द्वारा कार्यकाल जो किए गए, उनके द्वारा जो विकास कार्य किए गए, उनसे कितना संतुष्ट है आप? बस वो तो ढिल्ले आदमी है, तीन बेचारे कहीं ढिल्ले आदमी है, बहुत ढिल्ले आदमी। हाँ, काम को किसी के, हमारे गांव में तो पूरे 5 साल कोई काम कराया नहीं उन्होंने। वो बताते हैं, मैं पूरी लोकसभा में जाया गया और काम किया, हमारे गाँव के अंदर कोई काम नहीं। आप गाँव गाँव में घूम कर पता कर लो, आप आसपास में क्या होगा किसी गाँव में, बज्जे हमें तो लगता नहीं। भाई साहब बड़े सुनसान तरीके से बैठे, चुपचाप बैठे, क्या सोच रखा चुनाव में? अब चुनाव वोट करेंगे जी। अच्छा, किसका डलेगा आपकी बात? वो तो निर्णय के ऊपर आधारित होगा जी, 28 तारीख में क्या निर्णय, 28 तारीख का जो निर्णय है। अच्छा, अभी तक जो प्रत्याशी है चुनाव मैदान में, मैं यही सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ये तीन प्रत्याशी है, चौधरी साहब अगर नाराज हो गए तो तीनों में से क्या लगता है कहाँ जा सकते हैं? नहीं, ये तो उनका निर्णय, हम क्या बता सके इस बारे में। अच्छा, और हम गए, अच्छा, वो हमारे नेता हैं, तीनों में पसंद कौन से हैं? हमारे ही पसंद? हाँ। नहीं, हमारे पसंद भी उनके पसंद के ऊपर डिपेंड है। अच्छा। हाँ। सांसद प्रदीप चौधरी के द्वारा किए गए विकास कार्य और यहाँ पूरी लोकसभा पर, और एक बार फिर पार्टी ने विश्वास जता, तो इससे कितना संतुष्ट? नहीं, यहाँ कार्य तो उन्होंने कराई नहीं, संतुष्ट तो हम जी होंगे जी, कुछ कार्य कराए हैं क्या ही नहीं कुछ है जी? नहीं, यहाँ तो कुछ कराए नहीं, 5 साल वो एमपी साहब रहे, यहाँ लगता आज लगता हमें देखे भी नहीं। इकरा हसन की माँ जब पूरा बात सुना, या तो क्वेश्चन ना करो, उससे पहले वो विधायक थे, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं उनके दर्शन पड़ भी जाते, और हमारे पावन गांव बटारो के बटारो आदि भी चलक रहा था यहाँ, उस दिन से एमपी बने, हम तो आज तक उनके दर्शन पड़े नहीं, कई प्रोग्राम में तो दिख गया ठीक है। सुन ले, बटारो की बावनी बिल्कुल लामबंद है, पूरी तरह सांसद के पीछे खड़ी है, चाहे विकास हुआ हो या ना हुआ। नहीं, इस बात का क्या, हम बावनी बनी? अच्छा, बावनी में नहीं, हम नहीं बावनी में, हम भी तो बावनी में ही है, इस बात का कुछ जवाब है? अगर चंद लोग इस बावनी ने कट्टी बतावे, कट्टी है कैसे है कट्टी, क्या सूरत है, हम बावनी में उधर 84 गिरेगी, 84 भाई हम तो इकट्ठे हैं, 84 की सुनो आप बात, 84 कितना विरोध मैं नहीं मानता, कहीं एमपी साहब का बावनी झेल जाएगी उस विरोध में? नहीं, बावनी की कर झेल जाएगी, हम बावनी में नहीं, हम भी तो बावनी में ही है, है नहीं? अरे भाई, आप चार आदमी बैठे, चार आदमी जो बैठेगा हम नहीं मारा। अच्छा, और भाई साहब है जी, भाई साहब का नाम क्या है? कुलवीर है जी। अच्छा जी, कुलवीर जी, तो बताओ सांसद जो यहाँ से थे उनके द्वारा कोई विकास कार्य किए गए? हमारे गांव में तो कुछ रहा नहीं भाई, 28 तारीख के निर्णय का ही है क्या? बस हम तो चौधरी के साथ हैं, जो कुछ भी करोगे उनके साथ, क्या फैसला लेना चाहिए, वहां जाने क्या करें, हम तो उनके साथ हैं, हम क्यों मुसफर आते हैं, तो नेता तो वहां है, हम तो शायद तारीख तो आपसे पूछ के रखे। हाँ नहीं, तारीख का मुसफरा हो रहा है 28 की है, वो जो कुछ भी निर्णय होगा आप भी देख लियो, हम भी चलेंगे। भाई साहब का नाम क्या है? सचिन है जी। पूरे तैयार बैठे हैं, सरकार भी इसी रंग की चल रही, बहुत बढ़िया बिल्कुल जी, लेकिन हम चौधरियों के साथ हैं, हम उन्हीं के साथ रहेंगे, और मेरे बड़े जो है हमारे, ये भी उन्हीं के लगे, तीन पीढ़ी से हम तो उनके साथ जुड़े हुए हैं।
और उन्हीं के साथ ही रहे। अच्छा, युवा क्या सोचता है मौजूदा जो सरकार चल रही है प्रदेश में और देश में जो अभी पूरी, तो इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? अभी सोचना तो यू है जी, महिला सांसद साहब है हमारे यहाँ से, हमारे गाँव में कुछ भी हमारे गाँव में कहीं भी कोई भी एक पत्थर नहीं लग रहा उनका, ना कोई विकास उन्हें हमारे गांव में कर रहा, यहाँ आए भी नहीं मैं 5 साल। अब हम चौधरियों के साथ है जी, उन्हीं के साथ रहेंगे। 3 पीढ़ी से हैं हमारे, बड़े भी उन्हीं के लारी रहते हैं, गम भी युवा भी उन्हीं के लारी रहेंगे, जो ऐसा निर्णय लेंगे 28 तारीख में उनके साथ है। अखिलेश यादव की सरकार अच्छी थी, बाबा योगी की सरकार अच्छी? अखिलेश की बढ़िया थी जी। अच्छा, हाँ, हम भी वर्तमान प्रधान थे उस टाइम। अच्छा, हमारे और जितना काम उनके टाइम में आया, बाबा के टाइम में कुछ नहीं आया, आता भी पैसा नहीं आया सरकार में, तो अपार विकास बता रही है। बस वो तो बताया तो हमने, सांसद साहब हैं यहाँ तो 5 साल कुछ देखा भी नहीं गाँव में आया क्या, कोई बताया तो सबसे पूछा होगा आपने। क्या निर्णय है चौधरी साहब, क्या चल रहा है दिमाग में, क्या चल रहा है? बड़ी सोच विचार चल रही है, तो गुनाधेड़ी में तकड़ी है आप भी। दिक्कत तो यही हो रही है, गुनाधेड़ में रास्ता तो कुछ बन नहीं रहा, निर्णय कोई लिया नहीं, तो क्या जवाब दे? 28 तारीख में देखो क्या निर्णय आता है। 28 के बाद कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो निर्णय उन्होंने लिया उसी के साथ लामबंद होंगे, या कुछ आउट भी होगा? आउट कुछ नहीं लगता, बिल्कुल छिव लामबंद होंगे, जो निर्णय लेंगे सर्वोपरि होगा। मैंने 4 नेता पूछे हैं, 4 नेताओं में अच्छा नेता तो अखिलेश ने क्यों नहीं पूछते? अच्छा, हाँ, आप अखिलेशवादी भी हैं? नहीं, अखिलेश तो जो खास करेगा, जो काम करेगा तो लिया जाएगा, पार्टी में साथ रहे या ना रहे। अच्छा, लेकिन जो अच्छा लीडर है तो अच्छा ही रहेगा। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जेल में गए अभी, बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, मतलब केजरीवाल ने कुछ गड़बड़ कर भी रखी थी तो स्पष्ट ही बोलना चाहिए था, उसके बाद करते तो कानून का विरोध। आपको लगता है जो जेल में गए उससे कुछ नाराज की आम जनता में नाराज की बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा, छोटी नहीं है, ताना सही जेल धक्का चल जा, पकड़ा मुंदर मौज, जो भी लीडर हमारे यहां से लोकल से दूर ना जाओ, क्या घोटाला नहीं कर रखा किसी ने, तो जो भाजपा में चला वो गंगा ना आया। अच्छा, ये आप भी मान रहे हैं? पक्का, गंगा ना आगे 5-7 लीटर मारे ना आगे गंगा। हाँ, जो बाजवा में चले गए साहब, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं, हल्का फुल्का मामला था, खत्म। अच्छा, खत्म, तो आप भी चले जाओ, कुछ पिछली योजना का कभी कुछ मामला उठ जाए गड़बड़ जाना पड़ेगा, मजबूरी अंजल मुंडे। अच्छा जी, हाँ जी, तो आप भी डरे हुए? पक्का, ताना सही चल रही ना, हिटलर सही। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज तो कुछ भी नहीं, लोगों को वोटों का था अधिकार भी खत्म, गैर लोग किसी की पड़ेंगे इनकी फायदा क्या होगा, कुछ भरपूर सोच लिया मौज जी। तो ये युवा हैं, आप देख सकते हैं। हाँ जी चचा, नमस्ते नमस्ते। मुझे ना तेरी सुने ना कान ठप है। अच्छा, हाँ, नमस्ते नमस्ते, सुन गया ही तो? इतना तो सुना है। अच्छा, क्या नाराजगी जी चल रही है? नाराजगी तो कुछ भी नहीं है, जंगल ये भाई जंगल जाऊंगे मैं, जाऊंगा कुएं में पड़ेंगे, कुएं में मैं पड़ूंगा। हाँ, मेरी ताकत है नहीं, कोई मना गिरा, बहुत जरूरत है, तो बस्ती जरूरत है, इतनी मैं इनके साथ दूंगा बस, मुझे और कुछ नहीं करना। बाबा योगी ने पेंशन पुंशन बनवा दी नहीं कुछ है? बाबा योगी ने पेंशन पुंशन बनवा दी नहीं? बाबा योगी ने तो दिए 4,000 2,000 4 महीने में। अच्छा, 4 महीने में चल जाए 2,000 में काम, 2,000 में गई 2,000 मर्दों का। अच्छा, चल जाए। आपका भी इतना बड़ा खर्चा? खर्चा कानों की दवा, खवा टूट गया इसकी दवा, बुढ़िया बीमार होगी उसकी दवा, अरे बड़ा गुम्बर लेकर गया उसकी दवा। हाँ, और कहा था पूरा पटका। अच्छा, कहते पूरा पाड़ है तकड़ा, सरकार तो कुछ नहीं करती। अच्छा जी, 4,000 2,000 दे, वही अल्लम तल्लम में लग जाए, बताओ क्या दे? कम से कम 1 महीने में 2,000 तो देते। अच्छा, हाँ भाई साहब, क्या सोच रहे, क्या लग रहा? वैसे तो जो चौधरी साहब का जो निर्णय होगा फाइनल वही निर्णय होगा, ठीक है, पर सरकार से संतुष्ट नहीं है युवा वर्ग। नहीं, युवा क्यों नाराज है? युवा के लिए तो बहुत कुछ दिया। अभी भर्ती निकली थी जी, भर्ती निकलने के बाद कैंसिल होगी, लीक हो गया पेपर, जब इनमें व्यवस्था भी नहीं बनाई जाती तो फिर क्या फायदा सरकार चलाने से? युवा तो हो गया सड़कों सड़क है। दूसरी बात, तथ्य भी नहीं बोलते बिल्कुल भी। अच्छा, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, इसका कहीं किसी रैली में कोई जिक्र नहीं होता। और क्या जिक्र है? हिंदू मुस्लिम, अयोध्या मंदिर मस्जिद, इनका जिक्र है बस, बताए इनसे पूरे पटेंगे जी। बताओ, बस हमारी तो यही है जी, जो बेरोजगारी पे, स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे बोल ले उस नेता को हम अच्छा मान लें। युवा जागने लगा? हाँ जी, युवा तो जागृत होगा ही।
ये दबाना सोच रहे पर दबता नहीं युवा, युवा जागृत होगा अब क्या दिखावा। तो आपने सुना यहाँ खोसपुरा में मैं इस वक्त मौजूद था, आपने सुना यहाँ सभी के विचारों को सुना, बुजुर्गों की जो एक दुखड़ा जो एक बड़े मियां का था वो भी आपने सुना और सभी ने अपने अपने विचार रखे। 28 तारीख में चौधरी परिवार की ओर से एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, उस मीटिंग में जो भी निर्णय होगा उनके समर्थकों का साफ कहना है कि उसी निर्णय के ऊपर अगला फैसला होगा। बन रही है पूरी रिपोर्ट के